पांच वर्ष तक बालक के साथ में लाड़ कीजिए। पांच वर्ष के बालक को पिटाई मत करो, ठोंक पीट मत करो, गम खा लो, निभा लो, क्षमा कर दो। कितनी स्त्रियां तो तीन वर्ष के बालक को ऐसे कूटती हैं जैसे धान कूटे जा रहे हैं, धमाधम धमाधम, हड्डी पसली टूट जाए, कुछ हो जाए, पति आकर बचाता है, नहीं तो निपटा देंगी पूरा। ऐसे नहीं मारना है, बच्चा है, छोटा है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, क्षमा कीजिए उसको। और पांच वर्ष से जब बड़ा हो जाए तो पांच से लेकर, पांच और दस कितना होता है, पंद्रह, पंद्रह साल की उम्र, पांच से पंद्रह तक, ये दस साल बीच का जो टाइम है इसमें अनुशासन रखिए, कड़ी दृष्टि रखिए। कड़ी दृष्टि का ये भी अर्थ नहीं कि रोज डंडा उठाकर चालू करो, नहीं, प्रेम भी और ध्यान रखो, मेरा बेटा कहाँ गया है, मेरा पोता कहाँ बैठा है, किसके साथ घूम रहा है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, चाणक्य कहते हैं, कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि जैसी संगत में बैठता है इसके ऊपर वैसी रंगत लग जाती है। इसलिए कृपया बहुत गौर करना। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति होए। संगत का प्रभाव देखो, चींटी फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। चींटी को भगवान के ऊपर कौन चढ़ने देगा, चींटी को संत जी के ऊपर कौन चढ़ने देगा। चढ़ रही हो तो लोग टांग पकड़ कर उतार देंगे, उतर, वहां कहां जा रही है। लेकिन फूल की संगत किया है, फूल के साथ बैठी है, फूल के अंदर बैठी है तो चींटी भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ 56 प्रकार का भोग भगवान लगाता है, कहीं नहीं लगाता है तो कोई जानता नहीं है, लेकिन चींटी प्रेम से बैठकर भोग भी लगाती है। फूल की संगत के प्रभाव से चींटी भगवान के भोग को खुद लगा देती है। और वही चींटी जब धूल की संगत करती है तो राहगीरों के पैरों से रौंद कर मार दी जाती है। और वही चींटी जब जलती हुई लकड़ी की संगत करती है, आग में जल करके मर जाती है। चींटी वही है, संगत बदल गई तो चींटी की जिंदगी के परिणाम बदल गए। इंसान वही है, चोर के साथ में बैठ जाओ तो पुलिस के चार डंडे फालतू खा जाओगे, और संत के साथ में बैठ जाओ सफेद कपड़े पहन करके, पाजामा कुर्ता ही पहन लो, तो संत के पैर कोई छुएगा तो तुम्हारे भी पैर छूने के लिए झुक जाएगा। ये संगत का प्रभाव होता है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में बैठिए।